लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बंगाली में इस पोस्टर पर लिखा है कि अगर रोजगारी नहीं बढ़ी है तो फिर मेट्रो रेलवे भारत के अलग अलग शहरों तक कैसे पहुंची। पोस्टर के साथ दावा किया गया है कि 2014 के मुकाबले देश के 20 शहरों में मेट्रो सर्विस शुरू हुई है, जो कि पहले 5 शहरों तक सीमित थी। भाजपा पश्चिम बंगाल के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने ये पोस्टर इसी क्लेम के साथ ट्वीट किया। इस दावे को आगे बढ़ाने में भाजपा के अलग अलग राज्यों और शहरों के रीजनल अकाउंट्स ने ये पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में दिख रही ट्रेन की तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें ऐसी ही इमेज अनस्प्लैश वेबसाइट पर मिली। यहां पर फोटोग्राफर का नाम शॉन बताया गया है और साथ में सिंगापुर और जुरोंग ईस्ट टैग्स है। ये दोनों तस्वीरें एक ही रेलवे लाइन की है। ये बात आप वायरल तस्वीर और वेबसाइट पर मिली तस्वीर को साथ में रखकर देखने पर समझ सकते हैं। दोनों तस्वीरों में सिग्नल पोस्ट जैसा ये खंभा और ये पीला रंग का ट्रैक मार्कर दिखता है। साथ ही दोनों तस्वीरों में रेलवे ट्रैक की पैटर्न भी एक जैसी ही है। आगे संदेह को और ज्यादा क्लियर करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफर शॉन को कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने ये बात कंफर्म की कि भाजपा के पोस्टर में इस्तेमाल की गई तस्वीर सिंगापुर के जुरोंग ईस्ट स्टेशन की है। वहीं शॉन द्वारा खींची गई इस तस्वीर में सैमसंग का ये स्टोर दिखता है। ये स्टोर गूगल मैप्स पर जुरोंग ईस्ट स्टेशन के 3D व्यू में भी दिखता है। यानी मोदी सरकार द्वारा अपने प्रचार के लिए पोस्टर में इस्तेमाल की गई ट्रेन की तस्वीर असल में सिंगापुर की निकली।